तवेली नहीं है यहाँ पे। तवेली तवेली कारी देवी देखती छे नवेली कहीं नजर नहीं आ रही है और नवेली के साथ साथ वो गजाला और वो कमीना साहिल भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ये चाट का है। देख रहा है लाटे, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि तेरी पत्नी अपना बदला पूरा करने के लिए मेरी बेटी की शादी पराए धर्म में करना चाहती है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ लाटे, अपनी बहन की जिंदगी बचा ले। नवेली, ये शरारा क्यों पहना है तुमने? ये तो मुझे चाहत ने पहनने के लिए दिया है। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे साथ अपनी चीजें ठीक करना चाहती हो, इसीलिए। मैं ये दूसरे धर्म का शरारा क्यों पहनूंगी? चाहत क्यों नवेली को ऐसे कपड़े पहनने देगी जो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है? मामी जी, मैं चाहत को अच्छे से जानता हूँ। चाहत ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ चाहत को। अरे देख लिया, पराए धर्म की लड़की पर भरोसा करने का नतीजा, वो हमारे घर की इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। वो नवेली को पराए धर्म का बनाना चाहती है। नहीं, नहीं। नवेली, नवेली मेरी एकलौती बच्ची है, वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी नवेली को वो अपने बदले का शिकार नहीं बना सकते। मामा जी संभालिए अपने आप को। मामा जी मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा नवेली को। चाहत कहाँ है? ये ले। और रास्ते में जो भी आए उसे जिंदा मत छोड़ना। ले ले नीलकंठ। हर समस्या का हल तलवार से नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है आपको? उस रात मैं आपके बहकाव में आ गया था, दोबारा मुझे भड़काने की कोशिश की तो इसी तलवार से आपका गला काट दूंगा। अब भी तो उन लोगों को सजा नहीं देना चाहते? देख तेरी पत्नी अपना बदला पूरा करने के लिए क्या कर रही है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि चाहत अपने घर वालों के साथ मिलकर ये प्लान कर रही है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। या अल्लाह, काश मैं नील को बता पाती कि मैं कहां पर हूं। लेकिन नवेली को बचाने के लिए फौरन इनके पीछे निकलना जरूरी था। धुएं में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
अल्लाह मियाँ प्लीज मेरी मदद करना, मुझे कुछ भी करके नवेली को मिसेस बिग और साहिल की आड़ से बचा कर ले जाना होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मजहब की आड़ में तलवारें निकल जाएंगी। तू नवेले कहो, तुम आवाज दो नवेले, नवेले नवेले डॉक्टर बेग, डॉक्टर बेग नवेली कहाँ है? डॉक्टर बेग चाहत भी नहीं मिल रही है, कहाँ है वो दोनों? इतनी आसानी से वो लोग नवेली को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे नीलकंठ, उनके इरादे नापाक हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। उन लोगों को धमकाने के लिए तुम मुझे हॉस्टेज बना लो नीलकंठ। ये बंदूक मेरे सर पर तान कर अपनी बहन की मांग करो नीलकंठ, उन बच्चियों की जान खतरे में हो सकती है नीलकंठ, उन्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे ये मुझसे नहीं होगा डॉक्टर बेग साहब, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बंदूक नकली है नीलकंठ, कुछ नहीं होगा, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो, और कोई रास्ता नहीं है, उन्हें धमकाओ कि वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी का पता बताए, वरना तुम मेरी जान ले लोगे। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा नीलकंठ, ये एक नाटक है, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी को बचाने का यही एक तरीका है नीलकंठ। वो लोग आ रहे हैं नीलकंठ, जल्दी करो, चाहत और नवेली को बचाने का और कोई रास्ता नहीं नीलकंठ। लगता है ये लोग पहुंच गए हैं। साहिब तुम नवेली को पीछे वाले स्टोर रूम में लेकर जाओ, मैं कुछ मुलाजिमों को वहां पहरेदारी के लिए खड़ा करती हूँ, नीलकंठ और चाहत इसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। ठीक है रेमो, तुम मेरे साथ आओ। मुझे ये सिचुएशन संभालनी होगी, हम मुझे नवेली को बचाना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी, मैं कैसे निकलूं? बचाओ, कोई है? हेल्प! या अल्लाह ये तो लॉक हो गई, अब क्या करूं? मुझे नहीं पता। नहीं, नवेली का पता बता दो। डॉक्टर बेग, चाहत कहाँ है? कहाँ है चाहत? चाहत बीबी? इस नवेली की हिफाजत करना। गोली मार दूंगा इनको मैं। नहीं, नहीं, नहीं।
देखो मैं 3 तक गिनूंगा, अगर मुझे नहीं बताया तो मैं डॉक्टर बेग को गोली मार दूंगा। नील! क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए बाबा को, छोड़िए मेरे बाबा को, नील प्लीज नील। चाहत पीछे जाओ। दूध 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 रात दोन। चाहत, चाहत देखो क्या जुनून सवार है इस पर, अपनी बीवी के बाप का कत्ल करना चाहता है ये। नील प्लीज छोड़िए बाबा को। कुछ नहीं होगा नवेली को नील, मैं खुद नवेली को सही सलामत घर छोड़ूंगी। बाबा, ये लोग नवेली के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे छोड़ना मत। नहीं नील रिलैक्स, नील रिलैक्स। मेरी बहन नवेली कहाँ है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में गोली मार दूंगा। नील प्लीज रिलैक्स। नील, डॉक्टर बैग कहाँ नवेली? नील साहब, कहाँ नवेली? मैं जान ले लूंगा इसकी। नहीं नहीं नील, नील प्लीज रिलैक्स। ये कैसे हो गया? ये मैंने
बाबा की फर्ज नहीं। झूठा जग रैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए, हमेशा खुश रखे। मेरे सालों का ख्वाब आज इस लक्कड़ पर सजी लिखावट में है। मेरे बेटी के नाम के आगे लिखा हुआ ये डॉक्टर, डॉक्टर चाहत बेग। साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। तुम्हारे अंदर वो हुनर और काबिलियत है जिनसे तुम दर्द बंदों को तकलीफ से निजात दिला सको। क्या हो रहा है नील? राहिल, राहिल, या अल्लाह, राहिल क्या हो गया तुझे? राहिल आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। चाहत, क्या हो गया राहिल को, क्या हो गया? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे को। राहिल, राहिल बेटा, राहिल, राहिल बेटा, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता बेटा, नहीं जा सकता। ये सब नीलकंठ का किया धरा है बड़ी अम्मी। नीलकंठ ने मुझे बेवा कर दिया, बेवा कर दिया मुझे। देखो तुमने, गैर मजहबी लोगों पर भरोसा करने का नतीजा, जान ले ली इसने तुम्हारे पापा की। नहीं मारा है नील ने मेरे पापा को। नील ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर अंकल, तुम्हारे डॉक्टर अंकल साहिल, नीलकंठ ने जान ले ली उनकी, जान ले ली। नील, 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 थैंक गॉड नील जिंदा है। कुछ नहीं हुआ नील को, नील मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चाहत, जिस आदमी ने तेरे अब्बू का कत्ल किया है तू उसी को बचाने की कोशिश कर रही है? अरे कैसी बेटी है तू, कैसी बेटी है? नील ने बाबा को नहीं मारा, नील ने कुछ नहीं किया। मेरे नील ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं जानती हूँ नील आपने कुछ नहीं किया। मर जाने दो इसे, सबका गुनहगार है ये और मौत ही इसकी सजा है। मर जाने दो इसे। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने भी मेरे नील के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं अपने बाबा को खो चुकी हूँ। मैं नील को नहीं खो सकती। नील, कुछ नहीं होगा आपको। आप विजय मन सोच रहे, आपको कुछ भी नहीं होने देगी। और तुम्हें लगता है कि मैं डॉक्टर अंकल की गलती को जिंदा रहने दूंगा?